शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर और जो टूटी फूट की सड़कें हैं, इन्हीं चीज़ को लेकर जो है कुंदरकी में अपनी सी वोट डालते हैं। AIMM से जो और ये आज़ाद समाज पार्टी है, अभी इन्होंने नया नया कदम रखा है पार्टी में, अभी इनमें ज़्यादा कुछ रुझान नहीं है। माननीय योगी जी आए, रोजगार मेलन किया 29 विधानसभा में, इन्होंने सड़क के लिए कहा, सड़क के लिए डींगरपुर का मार्ग पास करके गए जो अभी तक किसी से नहीं हुआ। इन्होंने शिक्षा की बात करी, हमारे मुरादाबाद मंडल में एक शिक्षक डिग्री कॉलेज के लिए योगी जी कह के गए। अभी इनमें 17वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के किसान किस्त आई है, तो वो जब डायरेक्ट किसी के अकाउंट में आ रही है तो युवा उससे जाग गया है, उसको लग गया है कि भाजपा डायरेक्ट आपके पास सुविधाएं पहुंचा रही है। तो इसका यही बेनिफिट है कि युवा को सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी दिख रही है इस बार, और कोई इसमें कुछ नहीं है। सरकार हो या विधायक, रोजगार पे बात करे और शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, रोड पे, विकास पे बात करे, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक न शिक्षा पे बात करते हैं, न स्वास्थ्य पे बात करते हैं, न रोजगार पे बात करते हैं, बल्कि बात जो करते हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कुंदरकी उपचुनाव को लेकर इस समय मैं कुंदरकी के मुख्य बाजार में हूं। मेरे साथ बात करने के लिए कुंदरकी के युवा हैं, सीधा उनसे जानेंगे कुंदरकी उपचुनाव होने हैं, किन मुद्दों पर इस बार युवा वोट करेंगे। देखिए, अब किसी युवाओं ने मन बना लिया है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर और जो टूटी फूट की सड़कें हैं, इन्हीं चीज़ को लेकर जो है कुंदरकी में अब किसी वोट डाल दें। इस बार AIMM की और आजाद समाज पार्टी की भी एंट्री हो गई है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, AIMM से जो और ये आजाद समाज पार्टी है, अभी इन्होंने नया नया कदम रखा है पार्टी में, अभी इनमें ज़्यादा कुछ रुझान नहीं है, लेकिन युवाओं ने जो है अब मन बना लिया है। ये चीज़ जब भी देखी जाएगी, वोट की चोट तो आपको पता ही है, अभी कुछ कह नहीं सकते, जब भी देखा जाएगा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर मतदान होगा? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई ने जो जो मुद्दे बताए और वो सरासर भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। इन्होंने रोजगार के बारे में कहा, माननीय योगी जी आए, रोजगार मेलन किया 29 विधानसभा में। इन्होंने सड़क के लिए कहा, सड़क के लिए डींगरपुर का मार्ग पास करके गए जो अभी तक किसी से नहीं हुआ। इन्होंने शिक्षा की बात करी, हमारे मुरादाबाद मंडल में एक शिक्षक डिग्री कॉलेज के लिए योगी जी कह के गए। इन्होंने आप खेलकूद के लिए, युवाओं के लिए कहा, तो माननीय योगी जी 29 विधानसभा में पहली बार, राष्ट्रीय खिलाड़ी जी की अपील थी कि हमें इसमें एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए, उसके लिए कहकर गए योगी जी। तो सारी चीजें मुद्दे हैं। अब सीधा सीधा क्या, हम ये गढ़ जो कहलाता पहले से समाजवादी गढ़ कहलाता था, लेकिन अब जो युवा जाग गया है, उसको घर घर तक पहुंच गई है सारी योजनाएं, घर मिलने, अगर कोई अभी 17वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के किसान किस्त आई है, तो वो जब डायरेक्ट किसी के अकाउंट में आ रही है तो युवा उससे जाग गया है, उसको लग गया है कि भाजपा डायरेक्ट आपके पास सुविधाएं पहुंचा रही है। तो इसका यही बेनिफिट है कि युवा को सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी दिख रही है इस बार, और कोई इसमें कुछ नहीं है, अब सीधा सीधा भाजपा है, गुमराहियत खत्म हो गई है। जी, बात करें कुंदरकी में मुसलमानों की जनसंख्या 60% से अधिक है जो विधानसभा है, तो क्या कुछ मुद्दे हैं मुसलमानों के? मुद्दे तो हमेशा से यही रहे हैं कि भाई सरकार हो या विधायक, रोजगार पे बात करे और शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, रोड पे, विकास पे बात करे, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक न शिक्षा पे बात करते हैं, न स्वास्थ्य पे बात करते हैं, न रोजगार पे बात करते हैं, बल्कि बात जो करते हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। माननीय जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे यहाँ 2.5 साल विधायक रहे, अब वो सांसद बन चुके हैं। उन्होंने 2.5 साल में कुंदरकी में आकर नहीं झांका, वो 2.5 साल में कभी इस कुंदरकी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उससे पहले 5 साल हाजी रिजवान साहब MLA रहे, उन्होंने कभी ये कुंदरकी से डींगरपुर एक मार्ग है, उस मार्ग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जबकि कम से कम 60 से 70 गांव उस मार्ग से जुड़े हुए हैं। बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का ये विधायक काम कर रहे हैं। भाई, हमारी तो अपील ये है कि हमारे यहाँ से ऐसा नेता चुनकर विधानसभा में जाए जिससे क्षेत्र का और हमारी कुंदरकी का भला हो, ना कि ऐसा कि वो जो है अपने आप को बस नाम का विधायक बनाने के लिए विधायक बन जाए।
और अभी आप भाई से बात कर रहे थे कि आज़ाद समाज पार्टी और मीम, आज़ाद समाज पार्टी और मीम पार्टी जो यहाँ पर कुंदर की विधानसभा में अपनी उस पर आई है, विधानसभा में उन्होंने टिकट का ऐलान भी कर दिया आज़ाद समाज पार्टी ने, तो के चांद बाबू मलिक उसके उम्मीदवार रहेंगे, तो कोई ख़ास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं इन पार्टियों से। टक्कर सीधे सीधी बीजेपी की और समाजवादी की रहेगी। अब देखो बीजेपी किसे टिकट दे और समाजवादी किसे टिकट दे, कि कुंदरकी की जनता बाहर के उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेगी, हमारी विधानसभा का उम्मीदवार होना चाहिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, कुंदरकी उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं युवाओं के, किन मुद्दों पर इस बार मतदान होगा? इस बार मुद्दों पे विकास के मुद्दों पे यहाँ पर जो है मतदान होगा, क्योंकि यहाँ पर आज तक जो भी लोग आए यहाँ पर जो जीते प्रतिनिधि हैं, इन्होंने आज तक विकास नहीं कराया। हमारा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर कोई प्रत्याशी आता है तो हो सकता है कुंदरकी में विकास हो, और हो सकता है क्या होगा विकास। और भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ पर एक कर्मठ जुझारू प्रत्याशी जो मुस्लिम चेहरा हैं, मोहम्मद रफ़ी खान, राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पठान वर्ग से आते हैं, 92,000 यहाँ पर पठान वोट हैं और BC का भी वोट बहुत है और लोकप्रिय चेहरा हैं। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद रफ़ी खान, राष्ट्रीय खिलाड़ी को टिकट दे तो एक तरफा जीत होगी। और भी लोग हैं जी, कुंदर की उपचुनाव होने हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? ये सर विकास होना चाहिए कुंदरकी के अंदर, और पढ़ाई की नहीं देखभाल होनी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। कैसे आजकल लोग परेशान फिर रहे हैं, काम के नहीं, रोज़गार नहीं है, विधायक लोगों को ध्यान नहीं है, इलेक्शन के बाद कहीं भी चले जाते हैं, किसी पता नहीं क्या हो रहा है। कुंदरकी में सड़कें हैं, बननी है, लाइटें भी रात को लाइटें नहीं चलती, इन पर कुछ ध्यान देना चाहिए और आपने कार्रवाई करनी चाहिए। कुंदरकी उपचुनाव को लेकर कुंदरकी के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।